मुंबई पवित्र नगरी में लगातार 12 दिनों से जन आंदोलन मंच द्वारा ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा है, जिससे कई स्थानीय संगठनों द्वारा समर्थन दिया जा चुका है। वहीं मंगलवार को ग्राम आष्टा एवं साठिया के ग्रामीणों ने आंदोलन स्थल पर शहीद किसान स्तंभ पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। जन आंदोलन मंच के अनिल सोनी ने बताया है कि आज बड़ी संख्या में ग्रामीण धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने समर्थन देते हुए कहा है कि ट्रेनों के स्टॉपेज को लेकर जो लड़ाई जन आंदोलन मंच ने शुरू की है, वे सभी ग्रामीण इस लड़ाई के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। IBN 24 न्यूज के लिए अनिस नायर की रिपोर्ट। फिर हम उस एस्टिमेट को राज्य शासन के पास भेजते हैं, एजुकेशन के पास भेजते हैं। हम चलेंगे या सबसे अच्छा माध्यम धरने पे बुलाना होता है। तो 16 जनवरी को सांसद आ रहा है, लोकल विधायक को पकड़ेंगे कि भैया सब राजनीति से उठकर आया, ये राशि का इंतजाम कौन करेगा, उस पर ले लो। चाहे तो आप शिवराज सिंह से मिलने का टाइम ले लो, भाजपा के नेताओं को पकड़ो। लोग तो आने मरने वाले लोग हो, तो हम नई पीढ़ी को पानी पहुंचाते खेतों में, तो उसका इंतजाम आपको करना, ताकि हमारे खेत नहीं बिके पानी के अभाव में। पता लगा अपन ने जमीनी बेच डाली हो। सब चीजों से उठकर आप किसी से परहेज मत करो। तू भी आ भौजी परसोड़ी की, तू भी आ और मंगोला कला के भैया तू भी आ और तू बैतूल वाला भैया तू भी आ। और ये हमारी समस्या है, हमने समय समय पर चंद्रशेखर देशमुख को भी जिताया, समय आया तो हमने सुखदेव पांसे को भी जिताया, समय आया तो ईडी वीको को भी जिताया। तो अब राजनीति से उठ के जितने आपके गांव में जो विभाजित है कांग्रेस भाजपा के, उन सबको जमा करो।